एवरीबॉडी, दिस इज जस्टफुल। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज मैं करने वाली हूँ shystyles.com से मैंने कुछ ड्रेसेस ली थी उनका रिव्यू। एज यू नो shystyles.com के साइमा की तरफ से है, उनका ये चैनल उस पर भी है, यूट्यूब पे भी है, एंड उन्होंने अपना shystyles.com निकाला है। तो उन्होंने कुछ क्लोथिंग लाइन अपनी शुरू किया एंड अब तो उनका वेबसाइट भी बन गया है, अर्लियर वेबसाइट नहीं था। तो मैंने ये फिर shystyles लेबल करके उनका इंस्टाग्राम स्टोर है, उस पर मैंने उनसे 3 सूट्स ऑर्डर करवाए थे। तो एक्चुअली मेरे घर पे शादी थी एंड मैंने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे सूट्स लॉन्च किए एंड आई वॉन्ट टू ट्राई हर, आई रियली लाइक हर वेरी मच। एंड रिसेंटली अभी उनका चैनल भी हैक हो गया था उनके हस्बैंड का, एंड वो रिकवर हो गया, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई। तो जब वो चैनल हैक हुआ, उन्होंने सब ये वीडियोज़ डाली, तो मुझे लगा कि मुझे उनका जो क्लोथिंग लाइन है, जो मैंने उनसे क्लोथ्स लिए हैं, मैं उसका रिव्यू करूँ और उनको अपनी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे सकूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी विद अ वेलवेट सूट। मैंने एक वेलवेट सूट लिया था, हमारे घर में एक वेडिंग थी तो वहाँ पर मैंने ये वेलवेट सूट डाला था। ये इसकी सूट हमारा, इसकी स्लीव्स है, लास्ट में थोड़ी डिटेलिंग है, इन्होंने यहाँ पे किनारी लगाई हुई है, यहाँ पे भी इनकी ऐसे करके इनका किनारी लगी हुई है। ये इसका लेंथ है, ये देखिए ये इसका लेंथ है, लेंथ अपू नीज तक आ रहा था मेरे, ये मेरी हाइट 5'2" है। तो ये ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत सा सूट है, मुझे बहुत पसंद आया था ये कलर और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इसको पहन के दिखाया था। तो मेरे मन में था कि मैं यही डालूंगी अपने रिलेटिव्स की वेडिंग पे। तो जब मैंने ये डाला बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी, एक तो इसकी लेंथ मुझे थोड़ी कम लगी, दूसरा ये जो बाजू है ना, ये बाजू है थोड़ी टाइट लगी। तो मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो क्लोथ्स हैं इनको थोड़ा सा आपको ऑल्ट्रेशन करानी पड़ेगी, मतलब दैट व्हाट आई फील। आई थिंक बहुत छोटे लेवल से सामा मैम ने शुरू किया, तो दैट्स वाई थोड़ा टाइम लगेगा वो सब चीज़ों को चैलेंज करने में। मेरा इसमें साइज लार्ज मैंने लिया था, बस साइज 40 है, बट थोड़ा सा मुझे बाजू से थोड़ा टाइट लगा। अगर आप इसे खुलवा लें तो ये फिर ठीक लगेगा। लेंथ थोड़ी कम है, आपको नीज तक ही है, फिर उसके बाद ये लोअर है, लोअर के आगे ये बेल्ट है और पीछे प्लास्टिक है, और एंडिंग में आप अगर देखें तो ऐसे यही वो सेम किनारी लगी हुई है जो बाजू के हैंड्स पे जो लगा हुआ था। ठीक है, बहुत प्यारा स्टफ है, मतलब मैंने इसको वॉश भी कर लिया है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और इसके साथ चुन्नी भी है जो कि थोड़े अलग कलर की है, इट्स लाइक मैजेंटा पर्पल कलर, और इस पर ऐसे वर्क हो रखा है एंड बहुत खूबसूरत है। अभी भी ये सूट अवेलेबल है ऑन हर वेबसाइट, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, लेकिन बस ये दिक्कत है कि थोड़ा सा हो सकता है कि 19-20 का फ़र्क हो, क्योंकि जो हम लोग मिंत्रा से लेते हैं या हम कोई बड़े साइट से लेते हैं, वो उनके क्लोथ बिल्कुल ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो मतलब एक स्टैंडर्डाइज से बनाया जाता है। ये ऐसा लगता है कि किसी टेलर से बनवाया है, जिससे थोड़ा सा यू नो मीन मेक हो जाते हैं, तो हम लोग उनसे फिर मतलब वो चीज़ ठीक करा लेते हैं तो वो ठीक भी हो जाती है। तो बस मुझे ये थोड़ा सा चक्कर लगा। इसके अलावा फिर मैंने एक और वेडिंग थी, मेरी फ्रेंड की वेडिंग थी, जिसमें थीम था ऑफ वाइट। तो ऑफ वाइट करके ही उन्होंने परचेज इसी टाइम ये ड्रेस निकाली थी, उसमें ये इनर था। ये देखिए ये ड्रेसेस मैं पहन के, जो मैंने पहनी थी वेडिंग में, वो मैं पिक्चर्स भी साथ साथ लगाती जाऊँगी। तो ये पूरा लंबा सा शैम्पेन कलर का ये एक गाउन है, ये मैंने पहना था, राइट। और इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर एक तरह का आप कह सकते हैं श्रग था, श्रग वॉज विद द चंदेरी सिल्क टाइप आप कह सकते हैं, इस तरह का श्रग था। इसमें ये जो फ्लावर्स है ये सारे वूवन है, ठीक है जी। एंड ये मैंने सारा इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने ऑर्डर किया था, मुझे पहले ही मतलब पे भी करना पड़ा, कैश ऑन डिलीवरी उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन अब उनकी वेबसाइट आ चुकी है, उस पर कैश ऑन डिलीवरी इज अवेलेबल। तो आगे ये स्ट्रिंग्स हैं जिसपे ये बहुत प्यारे से टैसल्स लगे हुए हैं। तो दिस इज द होल लुक, मेरी हाइट 5'2" है, मुझे पूरा फ्लोर लेंथ तक आया था, बहुत ही खूबसूरत लगा था। इसमें भी मेरा साइज लार्ज है,
इसमें मुझे थोड़ी सी जो दिक्कत लगी थी वो दिक्कत ये थी कि मेरा यहाँ पे गले से थोड़ा सा ना खुला हुआ था, तो आई हैव टू इट अगेन एंड अगेन। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइट करवा सकते हैं, या कोई सेफ्टी पिन सा, यू नो पर्ल के दो सेफ्टी पिन आते हैं बड़े क्यूट से आजकल बहुत ज़्यादा इन है, आप उनको लगा सकते हो। अगर ये समस्या हुई, मेरी ये समस्या हुई थी, ये लार्ज साइज है मेरा 40 बस, तो बाकी अदरवाइज इट वॉज फाइन। ठीक है, तो इसके साथ कोई चुन्नी नहीं थी, कोई लोअर नहीं था, ये सब एज सच था। ये अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, दे कैन यू नो मेक इट अवेलेबल। फिर एक और वेडिंग थी जिसके लिए मैंने फिर एक सूट मंगवाया था इनसे, लेकिन क्या हुआ कि मैं उस वेडिंग पे जा नहीं सकी। इससे पहले मैं एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, इसमें इस तरह के लिफाफे में आता है, जो मेरा एड्रेस में दिखेगा, तो इस तरह के लिफाफे में आता है जिससे शायद स्टाइल लेबल लिखा हुआ है, तो इस तरह के लिफाफे के अंदर वो आता है और बाकी पेपर के अंदर रैप होके आता है। तो उसके बाद मैंने एक और सूट मंगवाया था फॉर द वेडिंग, बट वो वेडिंग में मैं परचेज जा नहीं पाई। ये सूट पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या है, बहुत ही खूबसूरत सूट है, ये भी रॉकेट का है ये, और बहुत ही ब्लू कलर करके है, और बहुत प्यारी सी शाइन है इसमें। ये मैंने लास्ट साइज में मंगवाया था, ये देखिए बोट शेप इसकी आगे का गलमा है, पीछे से ये देखिए बटन लगा हुआ है, एंड इतने से स्लीव्स हैं, और ये इसकी पूरी लेंथ है, ये मोर देन आपके नीज से नीचे तक आएगा। इसके नीचे जो बॉटम है वो सैटिन का है, ठीक है, ये इसका बॉटम है, इस पे नीचे वही जो कपड़ा है, जो जिसका हमारा कुर्ता है, वो इसी कपड़े को तीन शेप में ऐसे करके लाइन्स लगा के लगाया हुआ है। इसमें थोड़ी सी मुझे ये दिक्कत आई कि ये ना बहुत खुला है, मतलब है ये लार्ज साइज में, बट ये बहुत ज़्यादा खुला है, ऐसा लगता है झोला सा डाल लिया आपने, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। इसको मुझे थोड़ा फिटिंग कराना पड़ेगा, आई फील कि फिटिंग कराने के बाद ये अच्छा लगेगा, मेरी पैंट स्टाइल में हो जाएगा, फिर ये अच्छा लगेगा। इसके बाद इसके साथ एक चुन्नी भी है, लाइट पिंक से कलर की नेट में, और बहुत ही प्यारे से चुन्नी है, इस पर बूटे लगे बने हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे बूटे से बने हुए हैं, और ऐसे स्कैलप शेप में ये चुन्नी है, बहुत ही खूबसूरत है। आई विश कि मैं उस वेडिंग में जा सकती, तो मैं ये पहनती और बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स खींचती, लेकिन हो नहीं पाया। तो चलो, ये पर्ल्स हैं इसके साथ, एंडिंग में पर्ल्स भी लगे हुए हैं, एक पर्ल इसका निकल आया है, लेकिन अदरवाइज इट वॉज वेरी नाइस। तो ये थी मेरा तीन आइटम्स जो मैंने अभी तक लिए हैं shystyles.com से, मुझे तीनों बहुत पसंद आया, हैव नो रिग्रेट्स। थोड़ा सा साइजिंग का इशू है, वो आप अपने टेलर से ठीक करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहती थी कि ये जो लास्ट के मैंने टू ड्रेसेस दिखाई हैं, ये अवेलेबल नहीं है, जो अभी मैंने ये ब्लू कलर का सूट दिखाया और मैंने जो आपको पहले श्रग वाला दिखाया था, ये अवेलेबल नहीं है shystyles.com पे। आप उनसे इंस्टाग्राम जो उनका स्टोर है उस पर जाके उनसे पूछ सकते हैं कि इज दिस अवेलेबल, कर सकते तो इट्स ओके। shystyles.com पे अभी मैंने देखा था रिसेंटली, उनका समर कलेक्शन आया है जिसमें क्वाड सेट्स एंड लॉन्ग सेट्स, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ही खूबसूरत है, एक ड्रेस भी है उसके साथ, वो समर्स पूरी समर्स वाइब देती है वो। तो आई एम प्लानिंग टू बाय दैट ऑल्सो वेरी सून। उसमें एक सनफ्लावर वाला क्वाड सेट था जो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरा साइज को आप स्टॉक आउट हो गया, इस वजह से मैं आप जस्ट वेटिंग कि अगर वो आता है तो मैं ज़रूर लूँगी, और अगर फ्यूचर में भी मैंने कुछ और लिया तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज हॉल, टुडेज रिव्यू, होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए, एंड स्टे इन टच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।